नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। जेल मंत्री ने जिला जेल का निरीक्षण कर बांटे कंबल, किया वृक्षारोपण। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति बोले कि बहुत से ऐसे बंदी जेल में हैं, बंदी जिसके परिजन नहीं आते हैं मिलने। सर्दी के समय ऐसे बंदियों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल और इनर वितरित किए गए हैं। उन्होंने जेल में बंद कैदियों को सुंदरकांड हनुमान चालीसा वितरित किया। मंत्री बोले कि सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने से अपराध की दुनिया से दूर रहेंगे। बंदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, ओपन जेल में ही मिलेगा रोजगार। राम मंदिर लगभग शुभारंभ 22 जनवरी को, सभी जेलों में होगा लाइव प्रसारण। मामला जिला जेल का। कारागार में आए, जिला कारागार में क्या आपने निरीक्षण किया और क्या मतलब जो दिशा निर्देश दिए? देखिए, मैं पिछली सर्दियों में भी और इस सर्दी में जब सर्दी आती है, एक अभियान चला करके हर जेल में 150-150 कैदी ऐसे हैं जिनसे उनके कोई परिजन मिलने नहीं आता, उनके लिए एक अभियान चला करके कम्बल इनर का वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। आज सुबह हमने कन्नौज में किया है, फिर यहाँ किया है। तो सर्दी बढ़ रही है और जो कोई परिजन मिलने नहीं आता, उन पर कैदियों पर पहनने के कपड़े की कमी रहती है, और जेल में जो कंबल होता है, पहनने के कपड़े कम हो तो ठंड लगती ही है। ठंड से बचाने के लिए इनर का वितरण और फिर कंबल का वितरण भी यहाँ किया है। दूसरा, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का भी पुस्तकों का वितरण में करता हूँ। सुंदरकांड हनुमान चालीसा के पुस्तक वितरण के पीछे का रहस्य ये है, कैदी बाहर की दुनिया से कट होते हैं। जेलों में, बैरकों में, आपस में सब कैदी एक दूसरे की केस की चर्चा करते हैं। मेरा अपना मानना है कि वो लगातार साल, दो साल, चार साल, छः साल अगर वही चर्चा करते रहेंगे तो वो चर्चा दिमाग में घर कर जाएगी, और जेल से बाहर जाने के बाद कहीं वो चर्चा का अंकुर पैदा हो और कौन से कोई गलती न कराए, उस चर्चा से बचाने के लिए मैं सुंदरकांड हनुमान चालीसा की पुस्तकों का वितरण करता हूँ। सुंदरकांड नियत पाठ करने वाला व्यक्ति को 1.5 घंटा लगता है, अगर नया कैदी कोई करेगा तो उसे 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे उस चर्चा से बचेगा, उधर भगवान के प्रति उसकी आस्था होगी, तो मेरा अपना मानना है कि हो सकता है वो गलती करने से बच जाए। क्या जेल में आपने सुंदरकांड पाठ कराने का मतलब जो है कोई समय निर्धारित किया है कि इनको सुंदरकांड पाठ कराया जाए? इनको नहीं, रोजाना वो तो हर शनिवार मंगलवार को कैदी सामूहिक रूप से पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में करते हैं। अभी मैं कन्नौज की जेल में गया था तो मुझे पाठ करते हुए बंदी मिले, क्योंकि सुबह का समय था, मैं जब गया था वहाँ और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम रोजाना 7-8-10 कैदी थे जो रोजाना सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अच्छी बात है, कम से कम वो गलत चर्चा से बच रहे हैं और इधर भगवान के प्रति उनकी आस्था जग रही है, तो कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया। सर, हम लोग सेंट्रल जेल में पहली बार ओपन जेल बनाने जा रहे हैं, क्या 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 रहेगी और कब तक ये तैयार हो पाएगी? अभी मैं यहाँ से वहीं जा रहा हूँ और हम पूरी प्रक्रिया उसको पूरी करने में लगे हैं, और जैसे जैसे प्रक्रिया हमारी पूरी होगी ओपन जेल हम बनाने जा ही रहे हैं, नीचे तो बनाएंगे। क्या क्या सुविधा मिलेगी सर हमको, कैदियों को क्या सुविधा कर रहे हैं? उसमें कैदी हमारे खुले रहेंगे, परिवार के साथ रह सकेंगे, और ये हम विचार कर रहे हैं, वहाँ काम करने की भी छूट रहेगी और कैदी परिवार के साथ रहेंगे, और भी कुछ हम विचार कर रहे हैं, वो जब हमारा पूरा फाइनल हो जाएगा तो हम आप लोगों को। कितने कैदी हैं सर विचाराधीन पूरे प्रदेश में, और उनके लिए हम लोग क्या नया करने जा रहे हैं? विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत बड़ी है और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें न्यायालय करता है। रही बात कैदियों की, तो हमारा, मैं कैदियों के साथ संवाद करके उनका प्रयास कर रहा हूं कि वो अपराध की दुनिया से बचें, क्योंकि 80% 40 साल से नीचे का नौजवान लड़का जेल में है और नौजवान हमारा भविष्य होता है। सर, 22 तारीख को एक प्रोग्राम होने जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम है रामलीला, क्या जेल में भी कोई नया प्रोग्राम होगा? किस तरीके से कैदियों को दिया? हमारे जेलों में, उत्तर प्रदेश की जेलों में लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, क्योंकि 500 सालों से ज़्यादा समय के बाद ये अवसर आया है और पूरा देश साक्षी बन रहा है, पूरा विश्व इसकी तरफ देख रहा है, तो कैदी भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे प्रदेश के नागरिक हैं। गलती उन्होंने कोई की है तो वो सजा है, काट रहे हैं, और क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद ये अवसर आया, तमाम हमारे मनुष्यों का त्याग बलिदान समर्पण हुआ है, तब जाकर के ये अवसर देखने को मिला है। मंदिर जन्मभूमि पर बन रहा है, भगवान राम की जन्मभूमि बन रहा है, दोबारा ऐसा अवसर थोड़ी आएगा, इसलिए कैदी भी हमारे उस अवसर से वंचित रहे।